कोरोना काल के बाद से रियल एस्टेट में आई तेजी से हर कोई हैरान है। कभी बड़े घरों की जरूरत को बिक्री बढ़ने की वजह बताया जाता है, तो कभी किराएदार से मकान मालिक बनने की हसरत घरों के बिकने की बड़ी वजह करार दी जाती है। वैसे तो ये दोनों कारण रियल एस्टेट की रफ्तार बढ़ाने में योगदान निभा रहे हैं, लेकिन इन दोनों वजहों के साथ मिलकर नौकरी पेशा लोग घरों की बिक्री बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल 2021-22 के दौरान घरों की कुल खरीदारी में सबसे ज्यादा 68% हिस्सेदारी सर्विस क्लास की रही। 26% हिस्सेदारी के साथ डॉक्टर, वकील और सीए जैसे प्रोफेशनल्स दूसरे स्थान पर रहे। यानी नौकरी पेशा लोग इस समय रियल एस्टेट के असली ध्वजवाहक बने हुए हैं। जानकारों का भी मानना है कि आईटी जैसे सेक्टर्स में लोगों ने घर से दफ्तर का काम किया, आने जाने की छूट न होने से उनका पैसा भी बच गया और घर में स्कूल दफ्तर के लिए जगह की दरकार होने से लोगों ने या तो घर का साइज बढ़ाया या फिर किराए का घर छोड़कर खुद का आशियाना बना लिया। अगर बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये भी बड़े घरों की डिमांड बढ़ने की तस्दीक कर रहे हैं। पिछले साल मिड टू हाई एंड सेगमेंट के साइज के घरों की मांग 79% रही, जबकि 2BH के घरों की डिमांड 38% रही। वहीं कुल डिमांड में 3BH के मकानों की हिस्सेदारी 26% दर्ज की गई। दिल्ली NCR में 4BH के घरों की बिक्री सबसे ज्यादा रही। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में 4BH के घरों की बिक्री सबसे ज्यादा 17% रही। इसके अलावा कुल बिक्री में 16% हिस्सेदारी स्टूडियो अपार्टमेंट्स की रही। मुंबई में सबसे ज्यादा 46% मकान मिड रेंज और 39% घर हाई एंड कैटेगरी के रहे। उधर बेंगलुरु में करीब 16% मकान लॉन्ग टर्म निवेश के लिए खरीदे गए। बड़े शहरों में हैदराबाद में लग्जरी मकानों की डिमांड सबसे ज्यादा रही। चेन्नई और पुणे में मीडियम साइज के घरों की डिमांड सबसे ज्यादा 60% और 59% रही। बेंगलुरु में करीब 56% डिमांड हाई एंड मकानों की रही। सबसे ज्यादा 17% लग्जरी मकानों की और 8% अल्ट्रा लग्जरी मकानों की डिमांड हैदराबाद में देखी गई। यानी देश के साथ बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में हर किसी ने बिक्री बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।